नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के ग्राम पंचायतों के सरपंच ने अपने अधिकारों को पहचानते हुए अब उन सभी सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं जो एक विधायक के पास होती है। आज सरपंचों के एक समूह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम एक संदेश संभाग आयुक्त संभागायुक्त के माध्यम से भेज दिया गया है। सरपंचों ने मांग की है कि उनके वेतन मान को कम से कम 50,000 किया जाए और पेंशन 25,000 होनी चाहिए। यही नहीं, एक विधायक को मिलने वाली हर सुविधा सरपंच के पास उपलब्ध कराई जाए, जिसमें सुरक्षा गार्ड से लेकर लग्जरी वाहन, आवास और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में सरपंचों ने सारे वित्तीय अधिकार भी मांगे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरपंच देवड़ा राजकुमार सिंह तिवारी ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत एक सरपंच के अधिकार और उसका पावर एक विधायक से अधिक होता है, फिर भी सुविधाओं में कोताही क्यों? वह भी अपनी पंचायतों का जनप्रतिनिधि है जिसे लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए बताया कि आज एक सरपंच को जितना पावर है वह एक विधायक को नहीं है, लेकिन सरपंच को 1,750 और पंच को मात्र 50 रुपए का वेतन मान देना कहां तक उचित है? वेतन बढ़ाने को लेकर और सारी सुविधाओं को पाने के लिए तो क्या मांगे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि सरपंच जो है वो भी उसी तरह का एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है जिस तरह से सांसद और विधायक है। तो अगर आप वेतन और अन्य सुविधाओं, भत्तों की विसंगतियों पर नजर डालें तो जमीन आसमान का अंतर है। 1,750 रुपये एक सरपंच को महीने में, वो भी साल में एक आध बार मिलता है, वहीं विधायक को लाखों रुपयों का तनख्वाह, विधायक सांसद को एक पूरी अलाउंस, पूरी सुविधाएं, पूरे अन्य अधिकार दिए गए। पंचायती राम राज स्वराज अधिनियम में जितने भी अधिकार दिए गए थे सरपंचों को, आज उनमें से लगभग 80% से ऊपर अधिकारों की कटौती की जा चुकी है, दूसरों को सौंप दिया गया है। आप जिस सचिव को, जिस रोजगार सहायक को नियुक्त करते हैं, आज उसकी तनख्वाह 35,000 है और जो जो नियुक्त करता है वो 1,750 में है, उसको हटाने की, निलंबन करने की, सस्पेंशन करने की, टर्मिनेशन करने की एक भी अधिकार पावर नहीं है। जब नहीं है तो क्यों सुनेगा सरपंच की? अभी आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें आप ये मांग कर रहे हैं कि आपको सारी वो सुविधाएँ चाहिए जो है कि सरपंच को होनी चाहिए, एक विधायक को मिलती है। जी, है ना, जैसे कि सुरक्षा गार्ड, लग्जरी गाड़ी और ये जी, 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 जी। तो क्या मानते हैं आप, ग्राम पंचायत का सरपंच उस पंचायत का विधायक का मान रखता है? अगर आप ये पढ़ें पंचायत राम ग्रास राम अधिनियम, तो उसको पंचायत को एक स्वायत्त संस्था माना गया है, ग्राम सभा को संसद और विधानसभा जितना पावर दिया गया है वो एक विधायक और सांसद तो कुछ नहीं है। जितना ग्राम पंचायत को माने अधिनियम में पावर दिया गया है तो उस पावर को एक्सरसाइज आप करने ही नहीं दे रहे हैं, सब अधिकार आप ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सरपंच तो उनसे बड़ा हो गया, और कोई भी पावर, कोई भी हक, कोई भी अधिकार आप उसको दे के रखे हुए नहीं हैं। ना तो कोई अलाउंस दे रहे हैं आप, और ना तो सुरक्षा गार्ड दे रहे हैं, ना वेतन भत्तों के साथ साथ आप आवास दे रहे हैं, ना प्रतिनिधित्व करने का दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं। आखिर आज इसके बाद हम रिटायर होंगे, हम हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, तो हमको जब कोई पेंशन नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अभी आप कितनी वेतन की मांग? अभी मात्र हम कह रहे हैं सरकार से कि एक सम्मानजनक कम से कम 50,000 रुपया भी तो दें हमको, जिससे कि कोई भी वेतन के नाम पे लगे कि वेतन दिया जा रहा है, ये ना लगे कि मजाक किया जा रहा है। एक विधायक के सारे अधिकार चाहिए? हाँ, एक विधायक के सारे अधिकार दीजिए आप हमको, जो कर्मचारी हैं हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की, सस्पेंशन की, इनका अधिकार दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं सुनते। आज आपका कोई भी आदेश है, कोई भी कार्य है, आपको कहना है तो सुनते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा कुछ डैमेज नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हाँ, मैं ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा का सरपंच हूँ और सरपंच महापरिषद का अध्यक्ष हूँ। उस नाते में पूरे प्रदेश के सरपंचों की जो जायज मांगे हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ कि इसको मांगें, हमारी मांगों को माने, अन्यथा हम लोग गांधीवादी तरीके का शरण लेंगे और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।